आप सब अभी देख रहे ग्रीन ग्रीन वो बेबी गार्डन है घर के सामने मिला, क्यूट सब, बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को। और मैंने अपनी साइकिल चलाना शुरू कर दी स्टैंड वाली। आप सब देख सकते हैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी देखिए शाम का समय है, हम लोग छत के ऊपर गए हैं और मेरा फ़ोन का जो साउंड है ना बहुत स्लो हो गया है। यहाँ पे मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग किया था लेकिन क्लियर नहीं था, डेट्स वाई मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो इवनिंग का टाइम है, हम लोग छत के ऊपर गए हैं, मैं और नन्नू मेरा क्यूट बेबी। तो देखिए इवनिंग काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और यहाँ ग्राउंड है, एक छोटा सा पार्क है, अभी मैं छत पे हूँ और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं और साइड में ये जो है ना फार्म है, लोग यहाँ पे खेती करते हैं, बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आसपास के एरिया भी जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे न्यू हाउसेस के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी प्लॉटिंग हो रही है और कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और ये शाम का टाइम है तो गांधीनगर में काफ़ी लेट अंधेरा होता है, काफ़ी उजाला है। हम लोग जब गए थे 7 o'clock हो रहे थे, 7 बज रहे थे लेकिन काफ़ी उजाला था, तो यहाँ पे लेट ही अंधेरा होता है और सुबह भी लेट होता है और लेकिन शाम को वेदर काफ़ी बहुत सुहाना हो जाता है, बहुत ही। तो गांधीनगर में दिन में बहुत गर्मी रहती है लेकिन सुबह और शाम का मौसम बहुत ही प्लेजेंट रहता है, स्पेशली इवनिंग में आप छत पे जाओ या बाहर निकलो घर से बाहर तो काफ़ी ठंडी हवाएँ चलती हैं, तो बहुत ही प्यारा मौसम होता है यहाँ पे। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये सिटी से थोड़ा सा बाहर है, सिटी से हटके है और यहाँ रहने का बस एक ही कारण था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पीसफुल माहौल है, काफ़ी शांति है। सिटी के भीड़ भाड़ और जितने भी नॉइजी एरिया होता है तो वहाँ से यहाँ पे रहने में काफ़ी शांति है, इसलिए हमने ये प्लेस को चूज किया था। और यहाँ भी पिकॉक है ना, देखो पिकॉक बोल रहा है, इधर खेतों में बहुत सारे पिकॉक हैं, शाम को आते हैं वो लोग घास चढ़ने के लिए। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के 6 बज गए हैं और ये देखिए मेरा न्यू किचन, थोड़ा सा सामान बिखरा पड़ा है, उसको मैं भी अरेंज करूँगी और हम अभी तैयार हो गए हैं, बाहर जाएंगे मार्केट। सो यहाँ का एक पास में छोटा सा मार्केट है जहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, तो सोचा कि चलो इवनिंग का टाइम में घूम के आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। सो चलिए चलते हैं। अरे बेटा वाटर बॉटल लेके आओ फ्रिज से। क्या कर ले हो? खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। खेल रहे हो? हाँ, आगे से राजी। आगे से राजी। हेलो मम्मा, बेटे बच्चे को, बच्चे को देखो क्या लेट के रो रहा है। हम जा रहे हैं गांधीनगर की सिटी घूमने और पापा अभी बात कर रहे हैं। ओ, दूध का टिफिन बाहर रख के जाना पड़ेगा, बाहर रख दो ना। सो गाइस, दूध का टाइम हो गया, डेली तो दूध वाले बड़े जल्दी आ जाते हैं और आज हम लोग को बाहर निकलना है तो बहुत लेट कर रहे हैं, तो दूध का जो केन है मैं बाहर रख दूंगी। ये रहा मेरा दूध का केन, जिस दिन हम सूरतगढ़ में थे भी ना, जब थे तब भी हम लोग कहीं बाहर जाना होता था तो केन को बाहर रख के चले जाते थे, यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे दूध का इंतज़ार करते करते दूध वाले आ गए थे और पानी वाले भी आ गए थे, तो हमने साथ साथ दोनों ले लिया और उसके बाद हम मार्केट के लिए निकले।
तो दूध को मैंने कवर करके रख दिया था फ्रिज में, और वापस आने के बाद हमने दूध को गर्म किया था। ये ना बिल्ली आती है तो बिल्ली घर में घुस जाएगी तो बहुत दिक्कत है। अरे ये देखो ना इतना बड़ा हॉल है नी, ये दोनों रॉड के बीच में इतना स्पेस है, इसे बिल्ली डॉगी आराम से एंटर कर सकता है। सो बाहर जाने से पहले इसका मसा क्लोज करना चाहिए। ये बंद हो गया, लेट्स गो नाउ। किचन का बंद है, लेट्स गो नाउ। यहाँ से पार्किंग है। ये मार्केट थोड़ा सा बढ़िया और अच्छा लग रहा है पहले वाले से, है ना? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्लीन भी है, और यहाँ पे लग रहा है कि हमारी पसंद की चीजें भी मिल जाएंगी। मेरा बैकग्राउंड कैमरा इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला डार्क आ रहा है पिक्चर्स। ये ये बन रहा है चिकन, तो यहाँ पे देखिए हम क्या सामान लेके आए हैं। बस एक बास्केट लेके आए, कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लाए थे, और यहाँ पे एक कॉम्ब है, कॉम्ब का एक पैकेट है, इसमें 6 पीसेस कॉम्ब है। तो और ये इसका प्राइस ओनली 20 रुपीज़ था, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो इस पैकेट को हम लेके आए। वैसे तो हम मार्केट में अगर कहीं दूसरे शॉप में जाएँ तो एक कॉम्ब जो है ना 20 रुपये का पड़ जाता है रिटेल प्राइस में, लेकिन यहाँ पर एक पूरा पैकेट 20 रुपये में मिल रहा था, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और कॉम्ब भी ना काफ़ी मजबूत है, तो हम ये लेके आए। देखिए कॉम्ब के डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि एक जैसा ही सारा कॉम्ब है, सब डिफरेंट स्टाइल के हैं, डिफरेंट लॉन्ग शॉर्ट मोटा पतला हर तरह का कंघी इसमें दिया हुआ है, तो ये भी इसका एक खासियत है। और ओनली 20 रुपीज़ में ये हमें मिल गया। और यहाँ यम्मी सा चिकन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है।